To see extracurricular activities में what we have already read in the theoretical way and practical way, जो दोनों का combination करके आप project बनाते हैं, नहीं वो नया project बनाते हैं, new काम बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले का जो project है वो आप काम कर रहा है, आपने कंप्यूटर में काम किया है तो चलो भाई हम Pentium 3 और 4 की बात कम कर रहे हैं, हम iPhone में बात करते हैं, तो लेटेस्ट अचीवमेंट जो है उस टेक्नोलॉजी का उससे रिलेटेड आप छोटा सा प्रोजेक्ट संस्थान बनाते हैं, इसकी मदद से अपने कैरियर में यह जो आप बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट पे, है ना, कभी हम लोग मैथमेटिकल डे पे प्रेजेंट करते हैं, कभी नेशनल साइंस डे पे प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारा जो हमारा डे आता है इंपॉर्टेंट डे आता है, कभी 26 जनवरी को करते हैं, कभी 15 अगस्त को करते हैं, सो दैट आपकी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है इस दिन इस पर्टिकुलर डे आप ओपन करें, लोगों को बता दें, जनरली आप जानते हैं कि जब वो बहुत सारी एनआईटी जो काम हो रहा है शायद बड़े कमी हो पाया है उस कार्यों को उस प्रोजेक्ट को आपके जैसे साथी जो आईआईटी के नेट प्रोग्राम में अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं दे आर डूइंग और ये इस ढंग का उन्होंने काम किया सो दैट इस वो इंडस्ट्री वाले लोग हैं नहीं कर पाते हैं उन्हें वो उसको पेटेंट बना आप पेटेंट बना देते हैं इसका मतलब है कि उस टाइप का जो वर्क है वो प्रोडक्ट है वो इंस्ट्रूमेंट बन जाती है वो डिवाइसेस बन जाती है वो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को काम आता है बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा डिवाइसेस है जो इसरो ने एक्सेप्ट किया अमेरिकन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है लेटेस्ट टाइम अभी आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुआ है टेक्सास यूनिवर्सिटी में हुआ है वहां जो उस काम को उस यूनिवर्सिटी है हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को पसंद आ जाए और आपका जो आईक्यू है टेक्नोलॉजी के तरफ आपका जो रुझान है वो क्या होगा वो फर्निश होगा साफ होगा नहीं भाई काम करता है तो क्या करता है तो आज के दिन 28 फरवरी 1928 को एक साइंस के हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर सी वी रमन तो उन्होंने एक एक रिसर्च पे उस दिन एक अपना एक रिसर्च दिया था जिनका नाम था रमन इफेक्ट वो एक्चुअली उस दिन रमन इफेक्ट में बताया गया था कि लाइट एस्केपिंग के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था और उसी चीज के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला और ये जो नोबेल प्राइज है हमारा इनको पूरे एशिया के ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया से जिनको ये पहली बार नोबेल प्राइज मिला हमारे साइंटिस्ट के द्वारा क्यों ना उस दिन कुछ सेलिब्रेशन किया था तो 1936 में एक प्रपोजल किया तो उस प्रपोजल को नेक्स्ट ईयर एक्सेप्ट कर लिया गया और 1987 से हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं और उसके बाद हम लोग डॉक्टर सी वी रमन के बारे में सब लोग जानते ही हैं आप लोग भी जानते होंगे तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दें क्योंकि ये इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया से थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की थी और जिनके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था तो ये एक्चुअली ये तमिलनाडु के थे और ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और इनको इस जैसे कि 1954 में हमारी इंडियन सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा तो इनकी कुछ कुछ उपलब्धि को हम लोग देख लेते हैं तो एक्चुअली इनका बॉर्न हुआ था तमिलनाडु में और ये 16 ईयर ओल्ड मात्र 16 साल की उम्र में ये अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया था वो भी अपने यूनिवर्सिटी से ये टॉप किया
कंप्लीट किया मात्र 16 सोलर ईयर में। उसके बाद हुआ कि नेक्स्ट वन ईयर में ही इन्होंने मास्टर डिग्री ले ली। तो उसके बाद हुआ कि इन्होंने कुछ समय के लिए कोलकाता में एक इंडियन फाइनेंस सर्विसेज होता है उनको ज्वाइन किया था। उसमें ये कुछ दिनों के लिए बने थे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। मात्र 19 साल के उम्र में इतने बड़े पोस्ट पे ये अपॉइंट हुए, मात्र 19 साल के उम्र में। और उसके बाद हुआ कि फिर 1917 में ये प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के। और उसके बाद इन्होंने एक संस्था को ये किया, फाउंड किया, उसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। वो 1926 में इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स को फाउंड किया। उसके बाद ये कोलकाता से बेंगलोर चले हैं और बेंगलोर में आके इन्होंने सब लोग सुने होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फर्स्ट डायरेक्टर हमारे डॉक्टर सीवी रमन बने। कलकत्ता से आने के बाद जब बेंगलोर आए तो वहाँ पे IISc जो बहुत बड़ी संस्था है, सब लोग IIT को जानते हो, तो IIT से भी अगर इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है तो वो है IISc बेंगलोर में जो है, वो IIT से भी बड़ी है और वहाँ पे रिसर्च भी होता है ज्यादातर। तो वहाँ के फर्स्ट डायरेक्टर बने डॉक्टर सीवी रमन। पहले इनको डॉक्टर नहीं कहा जाता था क्योंकि उस समय में सर बोला जाता था, सर सीवी रमन। इसलिए कहीं भी देखोगे तो ज्यादातर इनका नाम सर में ये बताता है, सर सीवी रमन करके लिखता है। उसके बाद इन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की और 1948 में 1948 में इन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद आजीवन ये अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते रहे। तो ये छोटी सी इनकी उपलब्धि थी। और तो नेशनल साइंस डे के दिन हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये बहुत एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। और इन लोगों के ऐसे साइंटिस्ट को देख कर एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी कुछ करें था। तो इसी के आधार से हमारी जो SBT है, या कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आज से 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम लॉन्च की थी जिसमें कि बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कहा गया था कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए और प्रोजेक्ट का प्रपोजल हमारे पास भेजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, उस पर काम करने लायक होगा, तो हम उसको आपको उसके बदले में कुछ रिवार्ड देंगे। यानी जितना आपका छोटा छोटा प्रोजेक्ट हो, 10,000-12,000 रुपये का प्रोजेक्ट हो, लेकिन मैक्सिमम हम आपको 10,000 रुपया देंगे और आप लोग वो प्रोजेक्ट बनाइएगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 10,000 रुपया लग रहा है तो सब कहाँ से लाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ी पहल की थी BCST में। और इस आधार से अभी से, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, इससे पहले भी हमारा 8 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका था जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। और उसके एवज में जो जो स्टूडेंट उसको बनाए थे उनको जो बनाने का खर्च था वो मिला था। और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे तो पेपर में भी आया, इनाम भी हुआ, छपराई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम भी। इस बार हुआ है कि हम लोग जो है सेकेंड पोजिशन आए हैं पूरे बिहार में प्रोजेक्ट सेलेक्शन में। 34 प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है जो पूरे बिहार में सेकेंड है। और प्लेसमेंट के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि प्लेसमेंट में हमारा जो ये कॉलेज है वो पूरे बिहार में नंबर वन है। और इसका जो श्रेय होता है वो सबसे ज्यादा हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे जो एकेडमिक इंचार्ज आशीष सर है उनको जाता है। और तो इस बार हम लोग का 34 प्रोजेक्ट है और विभाग को हमसे बहुत मतलब ये उम्मीद है कि हम लोग और अच्छा करें और जो प्रोजेक्ट हमें मिला है उसको अच्छे से बना के वहाँ पे प्रेजेंट करें। तो जो प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है
उसके अवार्ड में हम लोग को कुछ पैसा मिला, तो जिसका प्रोजेक्ट किसी का 10,000 का था, किसी का 5,000 का, तो जो भी प्रोजेक्ट मिला है तो उसका कुछ पैसा अभी हम आप लोग को चेक के माध्यम से देंगे। आप लोग वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिएगा बनाना, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा तो आप अपने सर से मिलिएगा, HOD से मिलिएगा, पैसे की दिक्कत होगी तो सर से मिलिएगा या फिर हमसे मिलिएगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो तुरंत आपको दे दिया जाए। तो आज एक छोटा सा अमाउंट है जो एक बार स्टार्ट करने के, क्योंकि अभी आपने जितना भी प्रोजेक्ट जो भी दिया है वो अभी उस पर बहुत ज़्यादा वर्क आपने नहीं किया, तो एक बार आप स्टार्ट कीजिए उस पैसे का यूज करके, और जहाँ भी आपको कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो वहाँ पे सब सर लोग हैं, हम लोग हैं, बात कीजिएगा। एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमारा 30+ का है, मतलब 30,000 से ऊपर खर्च होगा, तो इसके लिए मैंने सर से भी बात किया था, प्रिंसिपल से, तो बोले कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो सबको बनाने के लिए कहिए, कॉलेज के तरफ से जो भी सहायता होगी वो दिया जाए। इसलिए प्रोजेक्ट किसी का अमाउंट ज़्यादा हो तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको बनाना है, बाद बाकी पैसे की दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, सभी सर लोग हैं, प्रिंसिपल सर हैं, और उसको क्लियर किया जाए। तो आज मौके पे आप लोग को एक छोटी सी राशि दी जा रही है, जो कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और अपने HOD अपने गाइड को बताएंगे कि सर हमने ये चीज किया। तो हर ब्रांच से अलग अलग है, तो बिट्टू कुमार और शिवम कुमार, प्रिंस कुमार और रविशंकर कुमार, ये सिविल ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल से कुंदन कुमार यादव, वर्षा रानी, सोनू कुमार, राहुल प्रसाद, चंदन कुमार, अनुपम कुमार और प्रिंस कुमार, ये आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। मैकेनिकल से आरती कुमारी, रोशन कुमार और विशाल कुमार, और विशाल कुमार दो हैं, एक और विशाल कुमार, तारिक अनवर, अवधेश कुमार रावत, ये आपको मैकेनिकल के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इतिहास कुमार, अजय कुमार शर्मा, मेहरून फातिमा, विवेक कुमार, वीडियो काफी
हुआ? अंदर रूम में जान देख ले ला है। कहाँ अंदर मान गया।